कहते हैं कि नारद मुनि जो है वो विष्णु भगवान के सबसे बड़े फैन हैं। तो एक दिन ऐसे ही वो विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने बोला कि विष्णु जी आपका सबसे बड़ा फैन कौन है? तो विष्णु जी बोलते हैं वो धरती पे वो शख्स। नारद मुनि देखते हैं एक साधारण सा किसान एंड वो तिलमिला जाते हैं, हर रोज हर क्षण नारायण नारायण करता रहता हूँ, ये कैसे है? तो विष्णु जी ने बोला इसका जवाब मैं आपको दूं, लेकिन उससे पहले काम करना पड़ेगा। ये एक मटका है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, इसको अपने कंधे में लेके ना धरती के तीन चक्कर काटो, लेकिन एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। वो कंधे पे उस मटके को लेके धरती के तीन चक्कर काटते हैं, वापस आते हैं, बोलते हैं विष्णु जी मैंने कर दिया, एक बूंद भी नहीं गिरी, अब बताइए क्यों? तो विष्णु जी नारद मुनि को वापस उस इंसान को दिखाते हैं, बोलते हैं इनका दिन ट्रैक करिए कि सुबह वो 4:30 बजे उठते, फिर खेत में जाते हैं एंड बहुत ही मुश्किल जिंदगी है, लेकिन नारायण नारायण का बोलते नहीं। नारद मुनि अभी भी देख रहे हैं, ये तो मैं भी करता हूँ। विष्णु जी फिर पूछते हैं कि जब आप धरती के तीन चक्कर काट रहे थे एंड आपका पूरा का पूरा ध्यान इस बात पे था कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, कितनी बार आपने मुझे याद किया? एंड दैट्स वेयर इट हिट हिम कि सही प्यार तभी होता है जब आप अपनी कठिन जिंदगी के बावजूद उस इंसान को याद करते हैं।